हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जंप सूट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा मैं किस प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो गाइस, जो प्रोडक्ट हैं जिनका रिव्यू बहुत अच्छा था, मैंने फ्लिपकार्ट से इन्हें परचेस करा है। लिंक मैं आपको एज़ यूजल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, जो जंप सूट है, वो कुछ इस तरह के डार्क ग्रीन कलर में है और ये इस तरह का आपको आगे नेक मिलेगा और ये कट स्लीव होगा, स्लीवलेस। और यहाँ पे इस तरह के, जैसे नॉर्मल जंप सूट में होता है, यहाँ पे सिलाई दी रहती है और इस तरह पूरा ये प्लेन है। बट इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि मैं हमेशा लार्ज ऑर्डर करती हूँ। मैं लोकल ब्रांड जब भी परचेस करती हूँ, मेक श्योर करती हूँ उसमें जो साइज़ है मेरा वो हमेशा एक नंबर बड़ा करती हूँ। मतलब लोकल ब्रांड अगर करती हूँ मैं तो लार्ज करती हूँ, अदरवाइज़ मैं अगर कोई ब्रांड का परचेस करती हूँ तो उसमें मीडियम करती हूँ। बट इसमें मैंने लार्ज ऑर्डर करा था, बट फिर भी ये जो साइज़ है वो छोटा है। तो आप जब भी अगर ऑर्डर कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को तो याद रखिएगा, साइज़ हमेशा बड़ा ऑर्डर करिएगा। और ये जो ब्रांड है, ये U&F कोई ब्रांड है उसका है और लुक वाइज काफ़ी अच्छा है ये। और मैं इमेज भी आपको दिखा दूंगी डिस्प्ले पे, आप देख लीजिएगा वहाँ पे किस तरह का मुझे शो हो रहा था। और इसका जो मटेरियल है गाइस, वो क्रैप मटेरियल है। एंड दूसरा जो जंप सूट है हमारा, वो कुछ इस तरह के जेब्रा प्रिंट में है। इसका नाम वहाँ पे जेब्रा प्रिंट दिया गया था। ये भी देखिए, इस तरह का कुछ बोट नेक होगा इसमें और ये भी स्लीवलेस है। और इसमें भी पीछे आपको पूरे में चेन मिल जाएगी। ये मैंने अभी ओपन कर रखी है ये पूरी में। और यहाँ पे ये स्ट्रेचेबल इलास्टिक जो होती है वो मिल जाएगी। बट इसमें ये इशू आ रहा है कि अगर आप पहनते हैं तो जब ये इलास्टिक आपके यहाँ पे आती है तो यहाँ से मतलब बलून पैटर्न बनना चाहिए, ये लूज़ होना चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें साइज़ का इशू है। मे बी इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट नो क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। और ये पूरा इस तरह का ही प्रिंट है और ये पूरा मतलब पूरी लेंथ नहीं है इसकी, ये थोड़ा नी से नीचे तक का है बट पूरी लेंथ नहीं है। ये काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा था, मैं आपको डिस्प्ले पे पिक्चर भी दिखा दूँगी। और इसका मटेरियल भी जो है वो क्रैप मटेरियल है, लुक वाइज ये काफ़ी अच्छा लगता है पहनने पे। थर्ड हमारा जम सूट है, वो कुछ इस तरह का पूरा ब्लैक प्रिंट है और ये श्री नाव कोई वाव सॉरी श्री वाव कोई ब्रांड है उसका है। ये इस तरह का नेक आपको मिलेगा। ओके, सेकेंड आपको दिखाती हूँ। ये आगे लाइक बो की तरह आप बना सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा रिबन। और इसमें ये शॉर्ट स्लीव्स भी दी गई हैं। बट हाँ, इसमें ये और इसमें भी पूरी इनमें चेन है पीछे और इनमें बस फिनिशिंग नहीं दी गई है। जैसे गाइस हम कोई ऑर्डर करते हैं कपड़े तो इंटरलॉक वगैरह दिया रहता है, इसमें देखिए अंदर से ये इस तरह के धागे निकल रहे हैं। और ये मैंने पीछे चेन बंद करी है तो इसमें भी ये देखिए ये निकल आ रहा है। तो इसमें फिनिशिंग वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, साइज़ का भी इशू है। बस लुक वाइज ही काफ़ी अच्छे लग रहे थे और आई डोंट नो कैसा रिव्यू दिया है वहाँ पे। और यहाँ पे भी इस तरह की इलास्टिक स्ट्रेचेबल दी गई है और ये फुल जो लेंथ है इसकी ये फुल है और ये पूरा ब्लैक प्रिंट है प्लेन। काफ़ी सिंपल और शोवर लगते हैं ये इस तरह के जंप सूट पहनने पे, बट पता नहीं क्यों इसमें साइज़ का इशू है। तो आप मेक श्योर करिएगा साइज़ जो है वो बड़ा ऑर्डर करिएगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो और आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई सजेशन हो और आपको इसमें से कौन सा जंप सूट अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।